जो है हाइकिंग के बारे में, मेन जो हाइकिंग होती है हमारी, हम पहाड़ों पर नहीं, पर एक ऐसे अनजान प्लेस में जाते हैं जहाँ पर के बारे में तुमको पता नहीं होता है, लेकिन हम वहाँ पर घूमने भ्रमण करने के लिए जाते हैं, उसके बारे में आज बता रहे हैं। और हाइकिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो कि हमारे साथ सामान चाहिए होता है, हमें राशन पानी के साथ साथ हमें, क्योंकि हम वहाँ पर स्टे भी करते हैं, हम गीत संगीत होता है, इसके अलावा हमारे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो हमें रास्ते के लिए, पानी, ग्लूकोज की बोतल, उसके अलावा अगर चोट लग गई फर्स्ट एड सामान, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा एक विशेष चीज़ हम इस बार आपको बताने जा रहे हैं, वो है जैविक बीज के बारे में। तो आइए हम जानते हैं कि जैविक बीज कैसे हम डाल सकते हैं और कैसे किन किन बीजों का हम इस्तेमाल अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। कि हमने इस हाइकिंग के दौरान जो भी हमने आपको बेसिक चीज़ थी वो बता दी है, क्या क्या आपको ज़रूरत है, लेकिन अब हम एक नई चीज़ बता रहे हैं जो हम उस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पर हम बीज बोएंगे। हमने जो यहाँ पर जितने भी जैविक बीज हैं जो हमारे स्थानीय रूप से, संक्रमण वाले बीज नहीं लेने, हाइब्रिड बीज नहीं लेने, हमें प्योर जंगली बीज लेने हैं, हमें घर में उगाने वाले फलों के फसलों के बीज लेने। बच्चों देखो अब ऐसा है, मैं जो बीज यहाँ पर लाया हूँ आपके लिए आज, तो सबसे पहले दिखा रहे हैं, ये आप बताओगे मेरे को ये क्या चीज है, पया या मेहुल, ठीक है। इसके साथ एक ये छोटा सा, ये क्या क्या बीज लाए हो, बांस के बीज है, ठीक हो गया। ये आप जानते हो क्या है, जौ है। इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, ठीक। अब मैं एक से किसी एक से पूछूंगा, ये क्या चीज है, हाँ हाइब्रिड मटर। अब देखो बच्चों, हमें जो बीज अपने एनवायरमेंट में बोना है, ठीक है, हम उसको दो तरह से बो सकते हैं। पहला, हम एक तो वो बीज बोएंगे जो मौलिक हो, जैविक बीज हो, और दूसरा ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड तो वैसे किसी भी मौसम में हो सकता है, किसी भी सीजन में हो सकता है, लेकिन हमें इससे बचना है क्योंकि ये हमारे न केवल जमीन की खुराक को कम कर रहा है, हमारे नाइट्रोजन की मात्रा को कम कर रहा है, हमारे अन्य पोषक तत्वों की मात्रा को भी कम कर रहा है, तो हमें इसे कम करना है। हमें ऐसे बीजों को नहीं डालना है जो जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत होती हो, हमें केमिकल से बचना है, हमें जैविक खाद का इस्तेमाल करना है, तो हम ऐसी भी चीज़ डालेंगे जिसमें जैविक खाद का इस्तेमाल किया जा सकता हो। इसके अलावा ये इसमें क्या डाल रखा है दीपक, लहसुन है, अच्छा। इसमें तिवारी, इसमें क्या है, ये राम करेला हो गया, इसमें आपने बता दिया। ये सारे बीज हमने इस समय मिक्स करके रखे हैं, ये सारे बीजों को हम एक जगह ऐसे रखते हैं, हम इसको आने वाले समय के लिए हम दो तरह से इसको अलग कर सकते हैं। पहला, हम इस तरह से एक पोटली बना करके भी इसमें रख सकते हैं, सारे बीज आप एक जगह रख दो, उससे क्या है कि आपको सुरक्षित मिल जाएंगे। अलग अलग रखोगे तो कभी खोने का खतरा रहता है, कोई पोटली समय पर नहीं मिली, तो हमेशा एक ध्यान रखो, एक स्काउट हमेशा अपने पास तैयार रहता है, और स्काउट जो है जैसे अगर व्यवस्था नहीं है तो जुगाड़ू होता कहते हैं, तो वो जुगाड़ करने का व्यवस्था भी ये है। इसको आप अपनी जो भी हमने स्काउट की रस्सी बना आपको सिखाएंगे या जो सिखा चुके हैं पुराने कैडेट्स को, स्काउट्स को, तो वो इसमें आपको बांधना सिखा देंगे, इससे आप अपने घर की उसमें छत पर टिपाई में कहीं भी आप लटका सकते हैं, तो ये खराब भी नहीं होते हैं। और नमी से बचाना होता है तो ये हमें मेन ध्यान रखना है। इसके अलावा तुलसी है, यहाँ पर अन्य चीजें भी दिख रही हैं, तो ये सब चीजें हम जो है यहाँ पर आज आपको बताने जा रहे हैं। जब भी हम हाइकिंग में जाएंगे तो ये सब चीजें बीज आप अपने घर से लेके आओगे और उसी को हम जो है आगे उस क्षेत्र में डालेंगे जिस क्षेत्र में जिस समय हमें जिस बीज की आवश्यकता होगी। थैंक यू। ये काम करना है कि अपने घर के जितने भी जैविक बीज हैं उनका संकलन करना है। होमवर्क लिख लीजिए कि जैविक बीजों का संकलन करना और उसे एक स्थान पर सुरक्षित रखना। ये लिख लिया करोगे आप, इसकी एक बीजों की भी हर्बेरियम फाइल बनाओगे, ठीक है। हर्बेरियम बीज का संकलन करके बीज संग्रह कहते हैं इसे, तो बीज संग्रह भी करोगे, ठीक है। उसकी अलग से कांच की उसमें भी रख सकते, थैलियों में रख सकते हो, थैली में, कपड़े की थैली में। प्लास्टिक हमें प्रतिबंधित है क्योंकि इस बार का जो प्लास्टिक का वो है मोटो है वो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें जो है इसको प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, कम से कम करना है जितना कोशिश ना के बराबर, तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। एक स्काउट हमेशा नियमों का पालन करता है और पर्यावरण का संरक्षक होता है क्योंकि ये स्काउट का एक नियम भी है, ठीक है। इस बात को आज हम क्लास को यहीं रोकते हैं, आगे फिर आपको आगे बताएंगे। थैंक यू।